जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जय अगम स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल प्लान ट्री सेव द टुडे में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर वर्ड। वैसे इंग्लिश वर्ड्स जिन पर अफिक्सेस का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड के कुल 10 भेद हैं, जिनमें से पहला है डिटरमाइनर्स। तो अफिक्सेस के प्रभाव से मुक्त वे सभी शब्द डिटरमाइनर्स कहे जाते हैं जिनके बाद नाउन का आना आवश्यक हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि नाउन और डिटरमाइनर्स के बीच क्वालिफाइंग वर्ड्स आ सकते हैं। स्पष्ट रूप से आप ये समझ सकते हैं कि डिटरमाइनर्स को नाउन का अराइवल कहा जाता है। डिटरमाइनर्स बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और क्वांटिफायर। किंतु और सवाल ये है कि इन्हें हम डिटरमाइनर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू क्लेरिफाई नाउन, या नाउन के पहले जुड़कर नाउन को क्लेरिफाई करता है, स्पष्ट करता है, फिक्स करता है या फिर निश्चित करता है। जैसे कि माय पेन। अब माय पेन करने से क्या पता चलता है कि यह मेरी कलम है, आपकी नहीं है या फिर किसी और की नहीं है। योर बुक, यानी कि यह आपकी पुस्तक है, मेरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि डिटरमाइनर्स नाउन को फिक्स करता है। आर्टिकल्स, तो आप सभी जानते हैं कि ए अंदा को आर्टिकल्स कहते हैं। दूसरा है पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी किसे आप ओनरशिप बोल सकते हैं, मालिकाना हक, जैसे कि माय, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, इटीसी। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं एक प्रकार का इंडिकेशन, यानी कि फिजिकली कुछ करके बताना, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज, फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड, दैट चेयर या फिर दिस बॉयज। तो इसे हम इंडिकेट कर रहे हैं, फिजिकली कुछ करके बता रहे हैं, तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब है क्वांटिफायर, यानी कि ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, हाउ मच, कितना, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2 या फिर 1/3, 2/5, एच, एवरी, मोर, सम, ऑल, बोथ, सेवरल, आइदर, नाइदर, बोथ, ए लिटिल, फ्यू, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, अतः इसे हम क्वांटिफायर कहते हैं। इसे अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि ए चाइल्ड इज प्लेइंग। तो ये क्या है, आर्टिकल्स है, और ये क्या बता रहा है कि एक लड़का खेल रहा है, यानी कि ये नाउन को निश्चित कर रहा है कि एक ही लड़का खेल रहा है। अब आप एक स्थान पे द का यूज कर सकते हो कि द चाइल्ड इज प्लेइंग, यानी कि इस लड़के के बारे में हम जानते हैं कि वही लड़का खेल रहा है, यह भी निश्चित कर रहा है, नाउन को फिक्स कर रहा है। अब हम जैसे कि ले लेते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव से माई, तो यहाँ पे लगा देंगे कि माई चाइल्ड इज प्लेइंग, यानी कि मेरा बच्चा खेल रहा है, किसी और का बच्चा नहीं है, यह मेरा बच्चा है। अब माई भी हटा दो, द भी हटा दो, अब इसके स्थान पे आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से लगा दो कि दिस, ठीक है, तो दिस चाइल्ड इज प्लेइंग, यानी कि यह बच्चा खेल रहा है, या फिर यहाँ पे आप दिस को हटा के दैट लगा दो, दैट लगा दो कि दैट चाइल्ड इज प्लेइंग, यानी कि वो बच्चा खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नाउन को डिटरमिन कर रहा है, फिक्स कर रहा है, तो स्पष्ट है कि इन्हें हम डिटरमाइनर्स क्यों कहते हैं। अब हम क्वांटिफायर को एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, या फिर आप मेनी के स्थान पे ऑल द बीच दे सकते हैं, ऑल द, या फिर टू, या फिर सेवरल। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ दो बात स्पष्ट होती है, एक तो ये कि ये नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है, फिक्स कर रहा है, दूसरी बात कि ये क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अब है टू चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी कि दो बच्चे खेल रहे हैं, दो से कम नहीं है या फिर दो से अधिक नहीं है, यह भी क्वांटिटी बता रहा है और नाउन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। अब ऑल द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, जितने भी बच्चे हैं सभी खेल रहे हैं,
तो ये भी क्या कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है और क्या कर रहा है, नाउन को फिक्स कर रहा है। अब यह सेवरल चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, यह भी क्वांटिटी बता रहा है और क्या कर रहा है, नाउन को फिक्स कर रहा है। तो स्पष्ट है कि इसे हम क्वांटिफायर क्यों कहते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि डिटरमाइनर्स पर अफिक्सेस का प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं समझा पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।